अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उनसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कर भी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है, इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो, मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं,
लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना इस सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी उंगली टूट गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ। वह मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था, उसे लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरन दिखता है। हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरन को पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की उंगली कट चुकी है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है, और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत कराने के लिए ही आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं जल्दी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।